आज की इस वीडियो में देखिए गाइस, हम फ्लोवर का एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीका से हमने एक फैब्रिक लिया है, तो देखिए सिंगल फैब्रिक का। अब हम इस तरीका से इसे एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीका से इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीका से चार पांच लेयर में आ गया है। अब देखिए इस तरीका से हम एक ढक्कन लेंगे और यहाँ पर इस तरीका से इसे गोल तरीका में रख देंगे और यहाँ से इसको इस प्रकार से हम इसको टिक कर देंगे। और देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वे देखिए हमने इसकी इस तरीका से कटिंग कर लिए। तो ये देखिए गाइस किस तरीका से पीस, चार पीस हो गए हैं गाइस। देखिए अब हमें इसमें एक पीस और चाहिए, पांच पीस चाहिए हमें। एक पीस को इस प्रकार से पहले तो उठाएंगे, यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार इस प्रकार से यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब इसे हम यहाँ से सुई धागा से इस तरीका से साइड साइड से हम इसमें यहाँ से सिलाई दे देंगे। यहाँ से हमें ये पीस भी इस तरीके से जोड़ने हैं इसमें। इस तरीका से हमें देखिए सभी को इस तरीका से इसमें लगा लेना है और हम इस धागे को इस तरीका से यहाँ से खींचेंगे। और फिर अब हम इसमें यहाँ से दोनों को खींचकर अब हम यहाँ से इसको पक्का कर देंगे, एक टाका लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरीका से यहाँ से जो ये धागा है हम इसको कट कर देंगे और इस तरीका से हम देखिए अभी इसको बीचों बीच एक बटन लगा देंगे। बटन ना बनाते मैंने तो देखिए गाइस, मैंने चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है। ये सिंपल ही कपड़े के जिस तरीका से हमें बटन बनाने हैं, जिस कलर के भी उसी कलर के देखिए बटन आप बना सकते हैं सिंपल बटन से। तो इसको हम यहाँ से ये देखिए इस तरीका से पहले तो हमें फूल बना लेना है और फिर इस तरीका से देखिए हम सिंपल डोरी जिस तरीका से बनाई जाती है हमें डोरी बना लेनी है और अगल बगल साइड देखिए इसमें इस तरीका से फूलेना लगा लेना है। और देखिए हम और एक डोरी हम इससे इस तरीका से इससे छोटी लेंगे और यहाँ से इसे रखेंगे और फिर यहाँ से इस तरीका से हम इसे रखेंगे इस प्रकार से। अब इस दोनों को हम इसमें यहाँ से सिलाई अटैच कर देंगे यहाँ से, देखिए इस प्रकार से। और यहां से हम इसको इस तरीका से इसमें इस पर अटैच कर देंगे।